बचपन में थॉमस ट्रेन वाला कार्टून देखना किसे पसंद नहीं था। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सिर्फ एक कार्टून नहीं था बल्कि इसके ओरिजिन की कहानी में छुपा हुआ है एक काला और डरावना सच। और ये बात तो आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम होगी कि ये जो ट्रेन थी थॉमस ट्रेन, इसके ओरिजिन का जो कॉन्सेप्ट था वो एक आदमखोर और खतरनाक SCP के ओरिजिन से भी जुड़ा हुआ था। SCP से याद आया आपने SCP-049 मतलब द प्लेग डॉक्टर के बारे में जरूर सुना होगा। ये कुछ इस तरह का अजीबोगरीब मास्क पहनता था। लेकिन क्या आपको पता है कि ये ऐसा मास्क क्यों पहनता था? इस मास्क में ऐसी क्या खास बात थी? और क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि 1499 में जब एक्चुअली में प्लेग फैला था तब सारे डॉक्टर्स ऐसा ही मास्क पहनते थे? तो आज हम जानेंगे क्या है इस मास्क की कहानी और साथ ही जानेंगे थॉमस ट्रेन का काला सच। लेकिन उसके साथ ही जरा इस तस्वीर को देखो, ये है इस दुनिया की सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल तस्वीर, क्योंकि इसमें जो आपको लकड़ी पर आकृतियां दिखाई दे रही हैं, जो कुछ कुछ किसी इंसान के चेहरे जैसी दिख रही हैं, ये आत्माओं के चेहरे हैं। तो वीडियो के लास्ट में आपको इस तस्वीर से जुड़ी हुई एक ऐसी भूतिया कहानी बताऊंगा जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो यार आई थिंक इतने इंट्रो काफी थे, बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का चाइल्डहुड को ताजा कर देने वाला फाड़ू वीडियो। आपने द ट्रेन ईटर नाम के एक SCP की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, इस पर यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन कहीं पर भी आपको ये नहीं बताया गया होगा कि ये जो SCP था द ट्रेन ईटर, उसकी ओरिजिन की स्टोरी क्या थी, आखिर ये कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में आया कहां से। द ट्रेन ईटर SCP की ओरिजिन की कहानी रिलेटेड थी थॉमस इंजन से, जिसको कहा जाता है थॉमस द टैंक इंजन, लेकिन मेरे हिसाब से इसका नाम होना चाहिए था थॉमस द टेरर इंजन। मतलब तुम खुद इमेजिन करो, ट्रेन का एक इंजन है जिस पर एक चेहरा लगा हुआ है जो हंसता है, बोलता है, हमारी आंखों में आंखें डालकर हमसे बातें करता है। मतलब ये लिटरली कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा क्रीपी था। कभी कभी लगता है थॉमस की इंजन वाली बॉडी के अंदर कहीं सच में कोई क्रीचर तो नहीं घुसा हुआ था, चूचू चार्ल्स की तरह। तो एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं था, बेसिकली तो थॉमस इंजन था वो एक फिक्शनल कैरेक्टर तो था ही, लेकिन इसका ओरिजिन वर्ल्ड वॉर से काफी ज्यादा रिलेटेड था। इसको लिखा था विल्बर्ट अड्राय ने 1942 के दौरान, और इस पूरे कार्टून का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ट्रेन्स को द कंट्रोलर, मतलब जो कंट्रोलर था, उसकी सारी बातें माननी ही पड़ेंगी किसी भी हालत में। अगर वो ट्रेन्स बातें मानने से इनकार करती हैं, काम करने से मना करती है, तो उनको सीधे मौत की सजा दे दी जाएगी, मतलब उनको डिसमेंटल कर दिया जाएगा। और इसीलिए उस कार्टून में सारी ट्रेनें दिन रात काम करने में लगी हुई रहती हैं। बेसिकली विल्बर्ट ने ये कहानी अपने बीमार बच्चे को खुश करने के लिए लिखी थी। उनका बच्चा एक खतरनाक बीमारी से पीड़ित था, वो रात में उनसे कहानियां सुनने की जिद करता था। तो उन्होंने कुछ ऐसी कहानियां लिखी जो वर्ल्ड वॉर में उनके एक्सपीरियंसेस से काफी जुड़ी हुई थी, जहां पर लोगों को अपने कंट्रोलर के अंडर में दिन रात काम करना पड़ता था और काम ना करने पर उनको मौत की सजा दे दी जाती थी। तो अपने उसी एक्सपीरियंस को उन्होंने ट्रेन की दुनिया में डाल दिया। बच्चे को ये कहानियां सुनने में काफी मजा आया और 1945 में उन्होंने अपनी पहली बुक पब्लिश की, और इसी बुक की कहानियों पर बेस्ड था ये थॉमस वाला कार्टून। बहुत सारे लोग थॉमस को द कर्स्ड थॉमस भी कहते हैं, और उसके पीछे रीजन ये है कि उसको एक तरीके का श्राप ही लगा हुआ है कहानियों में कि जब तक वो काम करेगा तब तक ही जी पाएगा, और जैसे ही वो काम करना बंद करेगा उसको मौत की सजा दे दी जाएगी। अब जिन लोगों को थॉमस की इस कहानी के पीछे का डार्क ट्रुथ मालूम था, उन्होंने एक और कहानी बनाई। उन्होंने बनाया द ट्रेन ईटर, एक ऐसा मॉन्स्टर या कहें तो एक ऐसा क्रीचर जो ट्रेन की तरह दिखाई देता है, लेकिन ये इंसानों का शिकार करता है। ये इंसानों को अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है और उसके बाद उनको एसिड से गला कर खा जाता है। हालांकि थॉमस द ट्रेन और द ट्रेन ईटर दोनों ही फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इनकी जो ओरिजिन की कहानी है ना वो रियलिटी से काफी ज्यादा लिंक्ड है। तो अगर आपको SCPs की कहानियां पसंद है और आप इस टाइप के वीडियोस देखते रहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना। तो जिन लोगों को भी ट्रेन ईटर SCP बड़ा पसंद था लेकिन उनको उसके ओरिजिन के बारे में नहीं पता था, तो अब तो पता चल गया ना। तो फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अब हम पता लगाने वाले हैं इस मास्क के पीछे का असली सच के भैया आखिर पुराने जमाने में लोग इस मास्क को क्यों पहनते थे, डॉक्टर्स इस मास्क को क्यों पहनते थे। द प्लेग डॉक्टर के बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, जहां पर मैंने बताया कि ये प्लेग डॉक्टर एक मॉन्स्टर कैसे बना, कैसे इसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, और क्या थी इसके ओरिजिन की असली कहानी और हिस्ट्री। लेकिन उस वीडियो में मैं एक चीज नहीं बता पाया था, वो था इस मास्क के बारे में। रोम में 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान जब प्लेग फैला था और लाखों लोग उसकी वजह से मर रहे थे, तब कुछ ऐसे डॉक्टर्स को हायर किया गया जो एक्चुअल में डॉक्टर्स नहीं थे। उनका काम बेसिक प्रैक्टिस करना होता था, जैसे लाशों की गिनती करना या फिर इंजेक्शन लगा देना या छोटी मोटी दवाइयां
मरीज को दे देना, क्योंकि भैया जो असली डॉक्टर्स थे उस समय उनकी कीमत काफी ज्यादा थी। असली डॉक्टर्स का इस्तेमाल केवल उन्हीं लोगों को करने मिलता था जिनके पास होता था बहुत सारा पैसा। तो रईस लोगों के लिए डॉक्टर्स को सिक्योर रखा जाता था और गरीब लोगों के लिए ऐसे टाइम पास डॉक्टर्स भेज दिए जाते थे ये वाला मास्क लगाकर। ऐसा बताया जाता है कि इस मास्क की जो लंबी सी चोंच रहती है ना, इसमें आगे एक छोटा सा छेद रहता है जिससे कि हवा जाती है और बीच में बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं ताकि वायरस या इन्फेक्शन की वजह से डॉक्टर को कोई दिक्कत ना हो जाए और साथ ही साथ डॉक्टर का चेहरा भी कोई पहचान ना पाए। तो ये वाले मास्क का इस्तेमाल 17वीं शताब्दी के दौरान भर भर कर सबने किया। जो लोग डॉक्टर नहीं थे वो भी डॉक्टर बनके लोगों का इलाज करने चले जाते थे ऐसा मास्क लगाकर, और गवर्नमेंट के द्वारा भी ऐसे मास्क को प्रमोट किया गया था ताकि जनता को पता ही ना चले कि भैया उनका इलाज जो करने आया है बंदा वो एक्चुअली में डॉक्टर है भी या फिर कोई और ही है। और इस सब के पीछे लॉजिक ये था कि उस टाइम जो प्लेग फैला था मेडिकल साइंस में उस समय उस प्लेग का कोई इलाज पॉसिबल था ही नहीं, लोगों को इन दी एंड मरना ही था। तो गवर्नमेंट ने और सिटी के मेयर्स ने अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए, अपने असली डॉक्टर्स को बचा कर रखने के लिए इस मास्क का यूज किया गया। मतलब लिटरली गरीब इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे इंडिया हो या दूसरा कोई देश, चाहे 2024 चल रहा हो या 16वीं 17वीं शताब्दी। ऊपर बैठे हुए लोग केवल पैसे वालों को फायदा पहुंचाने की कोई ना कोई स्कीम निकाल ही लेते हैं। एनीवे पता नहीं मैं राहुल गांधी की तरह साउंड क्यों कर रहा हूं। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय राहुल गांधी, क्योंकि भैया मैं एक जनरल अपने मन की बात कह रहा था, इसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं है। साल था 1971, अगस्त का महीना था। मारिया गोम्स नाम की एक औरत के घर में रात को करीब 9 बजे जब वो किचन में काम कर रही थी, उनके किचन में जो लकड़ी का बना हुआ फर्श था उस पर उनको एक चेहरा दिखाई दिया। तो पहले उनको लगा कि शायद उनकी आंखों ने इमेजिन कर लिया है कोई चेहरा, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो एक्चुअल में एक चेहरा ही था। उन्हें थोड़ा सा डर लगा, अनकंफर्टेबल फील हुआ, उन्होंने सोचा कि शायद किसी चीज से निशान बन गया होगा, तो उन्होंने उस जगह को साफ कर दिया। लेकिन साफ करने से भी वो चेहरा वहां से नहीं हटा। उन्होंने घर वालों को ये चेहरा दिखाया। वो चेहरा देखने के बाद सब लोग बड़े हैरान थे कि भाई लकड़ी पर किसी इंसान का चेहरा उभर आया जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। वो लोग कई सालों से इस घर में रह रहे थे। तो फाइनली उन लोगों ने डर की वजह से उस किचन को बंद कर दिया। लेकिन जो मरिया का लड़का था वो कुल्हाड़ी लेकर गया और उसने फर्श में उस चेहरे को तोड़ दिया, वहां पर एक छेद बना दिया। अब अगले दिन जब लोग उस किचन में वापस गए तो देखा उस किचन में वहां पर 4-5 चेहरे और बन गए थे जो कि पहले कभी उस जगह पर मौजूद थे ही नहीं। ये घटना देखकर वो लोग काफी ज्यादा डर गए और ये वाली जो घटना थी ये आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। और जो तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं ये उनके किचन की रियल तस्वीरें हैं, और ये जो फोटोज आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक्चुअल में उस लकड़ी पर उभरे हुए वो चेहरे हैं। बाद में जब इस चीज के बारे में और इन्वेस्टिगेशन की गई तो जहां पर उनका किचन था उस जगह खुदाई की गई, और उस जगह पर मात्र 4-5 फुट की गहराई पर खुदाई करने का उनको 7 से 8 कंकाल मिले। मतलब उनका जो घर था वो एक ऐसी जमीन पर बना हुआ था जहां पुराने जमाने में कभी लाशों को दफनाया गया था। एंड पता नहीं क्यों सडनली 1971 में उन आत्माओं ने मरिया के किचन को हॉन्टेड कर दिया, मतलब उसके फर्श पर अपने चेहरे बना दिए। ये चेहरे शायद उन्हीं लोगों के थे जिनकी लाशें मरिया के किचन के नीचे दफन थी। तो इस इंसिडेंट में दी गई एक एक इंफॉर्मेशन एकदम सही है। इसमें जो फोटोज दिखाए गए हैं उनमें कोई एडिटिंग नहीं है, कोई ग्राफिक्स नहीं है, ये भी एकदम रियल है। और ये इंसिडेंट उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि भूत प्रेत होते नहीं है। तो अगर तुम्हारा भी कोई दोस्त ऐसा है जो भूतों पर विश्वास नहीं करता उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना या फिर ये घटना सुना देना। एनीवे इस वीडियो का एम किसी भी तरीके का अंधविश्वास फैलाना नहीं है। भूतों पर अगर आप विश्वास करते हो तो करो, नहीं करते हो तो मत करो। लेकिन एक चीज पर आपको जरूर विश्वास करना पड़ेगा और वो है साइंस। एक ऐसी बीमारी आई है, एक ऐसा सिंड्रोम आया है जिसे कहा जाता है एलियन हैंड सिंड्रोम, जहां पर जो आपका हाथ है वो आपके ब्रेन की बात नहीं मानता, अपने आप ही कुछ ना कुछ करने लगता है। अब क्या कर रहा भाई। इस फेनोमेना को डॉक्टर स्ट्रेंज लव सिंड्रोम भी कहा जाता है, और इसमें जो हाथ होता है वो अपने आप ही कुछ ना कुछ करता रहता है, एक्शंस करता रहता है, हरकतें करता रहता है। और ये बीमारी काफी ज्यादा खतरनाक है भैया, क्योंकि इसमें आपका हाथ जो भी काम करेगा उसकी सजा आपको मिलेगी, और कोई आपकी बात पर विश्वास भी नहीं करेगा कि भैया आपके हाथ को एलियन सिंड्रोम हो गया है। तो इससे पहले कि आपका हाथ आपकी बात मानना बंद कर दे, अपने इन हाथों का इस्तेमाल करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कीबोर्ड पर दबा के इस वीडियो को लाइक कर दो, और नए हो और ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मैं जा रहा हूं क्योंकि मेरे बाथरूम के फर्श पर भी एक चेहरा उभर आया है, वहां पर खुदाई करके देखते हैं कि आखिर क्या गड़ा हुआ है वहां पर। तब तक तुम लोग अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।